मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज चंद्रपुर जिले के दौरे पर आए थे। नहर के निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री ने घोड़ाझरी में भेंट दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शुक्रवार चंद्रपुर जिले के दौरे पर आए थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनका जिले में पहला दौरा था। ब्रह्मपुरी के शासकीय तंत्र निकेतन के मैदान पर तैयार किए गए हेलीपैड पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इनका आगमन हुआ, जहां चंद्रपुर जिले के पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार, अपर जिलाधिकारी विद्युत वरखेड़कर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल करडेले इन आदि के साथ उपस्थितों ने पुष्पगुच्छ देकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। चंद्रपुर जिले के नागभीड़ ब्रह्मपुरी रास्ते पर गोसे खुर्द प्रकल्प के घोड़ाझरी शाखा नहर में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नहर के शुरू काम का निरीक्षण किया। इस समय उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को काम समय पर पूर्ण करने की सूचना दी। इस अवसर पर उनके साथ आपत्ति व्यवस्थापन मदद व पुनर्वसन मंत्री तथा चंद्रपुर जिले के पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार, अपर मुख्य सचिव विजय कुमार गौतम, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार अजोय मेहता, कोसे खुर्द प्रकल्प के मुख्य अभियंता वेमुल कोंडा, जल संपदा विभाग के मुख्य अभियंता श्री कपोले, अपर जिलाधिकारी विद्युत वरखेड़कर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल करडिले, कार्यकारी अभियंता संदीप सातपुते, कोसे खुर्द प्रकल्प के अधीक्षक अभियंता देसाई, घोड़ाझरी प्रकल्प के कार्यकारी अभियंता फाड़के, अधीक्षक अभियंता काठपल्लीवार उपस्थित थे। पश्चात वापिस लौटते समय उनकी गाड़ियों का ताफा कुछ दूरी पर हेलीपैड की ओर जाने के लिए निकला। उनकी राह तक रहे प्रकल्पग्रस्त और किसानों को देख मुख्यमंत्री स्वयं गाड़ी से नीचे उतरे और उनकी व्यथा जानी। इस समय किसानों ने 15 वर्ष से गोसी खुर्द बांध के पानी का एक भी बूंद चंद्रपुर के किसानों को ना मिलने का और कुछ भी फायदा ना मिलने की व्यथा रखी। मुआवजा नहीं मिला, ऐसी शिकायत भी इस समय उन्होंने की। इस पर मुख्यमंत्री ने सभी से बातचीत कर उनकी व्यथा जानी और जल्द ही इस पर हल निकालने के निर्देश अधिकारियों को देने का बताया। मुख्यमंत्री स्वयं रुके और अपनी व्यथा भी सुनी। इस पर किसानों ने उनका आभार माना। इस समय कोसी खुर्द प्रकल्प संघर्ष समिति ब्रह्मपुरी के संयोजक एडवोकेट गोविंद भिंडारकर ने अपनी मांग स्पष्ट करते हुए प्रतिक्रिया दी। ये जो घोड़ाझरी जो ब्रांच कैनल जो है, ये 55 किलोमीटर का कैनल है और अभी 15 साल पूरे हो गए। 15 साल में एक बूंद भी पानी किसान के खेत में अभी तक गया नहीं, लेकिन पानी जैसा पैसा इस प्रोजेक्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने खर्चा किया है। और हमारी यही मांग है कि गवर्नमेंट ये जो घोड़ाझरी ब्रांच कैनल है, इसका माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब ने कालबद्ध कार्यक्रम जाहिर करना चाहिए कि भाई एक साल में, दो साल में, तीन साल में इतना ये प्रोजेक्ट हम कंप्लीट करेंगे। क्योंकि अभी जो हालत देख रहे हैं हम, मुझे लगता नहीं और 5 साल ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। इसलिए हमारी ये मांग रही हमारे किसान लोगों के माध्यम से कि कम से कम इसका कालबद्ध कार्यक्रम जाहिर हो। और जो 18 किलोमीटर जो है ये कैनल की लंबी जो है वो 55 किलोमीटर है और वो 55 किलोमीटर में से 18 किलोमीटर है वो कट एंड कवर है, यानी यहाँ के कोई किसान को पानी मिलने वाला नहीं है। तो हमारी एक मांग रही कि कम से कम 18 किलोमीटर के किसान लोगों को आपने लिफ्ट इरीगेशन के माध्यम से पानी देना चाहिए। वहाँ का नागबीर का किसान है, ब्रह्मपुरी तालुका का किसान है और वो जो अभी बर्बाद हो चुका है उसको एक बूंद पानी नहीं मिला है, तो कम से कम ये घोड़ाझरी ब्रांड कैनल से उसको पानी मिले, ये हमारी कोशिश रही है। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि यह घोड़ाझरी का जो गोसी खुर्द जो प्रकल्प है, इसका कम से कम अभी 30 साल पूरे होने जा रहे हैं और ये क्यों पूरा नहीं हो रहा है, इसके यह जानने के लिए मेरा यह दौरा था और मेरी कोशिश रहेगी कि इसके लिए मैं ज़रूर मुंबई में इसके बारे में एक मीटिंग लगाऊंगा। आपको भी मैं वहाँ पे इनवाइट करूँगा और ये जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, ये उनकी कोशिश रहने वाली है। साथ ही इस संदर्भ में पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने जानकारी की। साहब का कनवा रोकने की बात नहीं है, वो निवेदन लेकर लोग खड़े थे तो सीएम साहब ने खुद होकर गाड़ी रुकाई और सबके साथ संवाद किया। ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी हम पूरा करेंगे ये भी आश्वस्त किया और उनके सारे लोगों के निवेदन भी जो थे उन्होंने लिया। उनका उद्देश्य इस दौरे का यही था कि पिछले 5 साल से इस प्रकल्प को जो स्पीड से काम होना चाहिए था वो रुका हुआ था, तो उन्होंने खुद होकर ये नेशनल प्रोजेक्ट जिसकी कीमत अभी नई लागत 18,000 करोड़ रुपए की है, वो नया सुप्रमा जो दिया गया है तो उस हिसाब से अभी 5,000 करोड़ की आवश्यकता है और 4 साल में ये प्रोजेक्ट को पूरा करना है, तो हर साल में 1,250 करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी।
152,000 हेक्टर की सिंचन क्षमता वाला ये प्रोजेक्ट है, तो इसको जल्दी से जल्दी पूरा करें, ये इसीलिए और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कदम जो है इस प्रकल्प को तेजी से पूरा करने के लिए है, इसलिए उन्होंने ये विजिट किया है और आगे मुझे लगता है कि ये प्रकल्प अपने समय में पूरा हो जाएगा।